हेलो जी, राम राम। क्या हाल चाल है सबके? तो भाई, व्लॉग बहुत दिनों बाद आए हैं। रीज़न ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो रखे हैं, तो भाई बाल बढ़ नहीं रहे हैं ना, तो मैं कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। फील्स वेरी ऑकवर्ड है ना, ऐसे अंडा सा मुंह दिख रहा है मेरा ऐसे करके। चलो वो चीज़ छोड़ो। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारा कर्मा लेक लैंड्स के रिलेटेड। तो मैं आपको कर्मा लेक लैंड्स जो 270 acres में है टोटल, तो उसका मैं आपको पूरा व्लॉग बना के दिखाने वाला हूँ। कहाँ पे क्या चीज़ है, कितने का क्या है वहाँ पे, है ना, एवरीथिंग इस व्लॉग में होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो आप ये अब व्लॉग देखिए कहाँ से क्या है। तो यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ के दो गेट हैं, गेट नंबर एक, गेट नंबर दो। गेट नंबर एक के अराउंड है मैकडोनल्ड्स, एंड मैं गेट नंबर दो के साइड से आया हूँ, बिकॉज मैं झज्जर से आया था तो मेरा रूट दूसरा था। तो अब आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। रोड बहुत ज़्यादा लंबा था तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है इसकी। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट वी विल गो टू द पार्किंग एंड देन रिसेप्शन। सो इट इज़ इन सच अ प्रीटी एंड क्वाइट प्लेस, जो इतना ग्रीनरी और हरा भरा बिल्कुल भरा पड़े यहाँ पे। सो ये है मेन रिसेप्शन, जो फ्रंट ऑफिस बोल दो इनको। तो अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब इनको अवार्ड वगैरह काफ़ी मिले हुए हैं। दिस इज़ द स्विमिंग कॉस्ट्यूम वहाँ पे है, तो आप बाहर से भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से हम कार्ट में चल रहे हैं अपने रूम की ओर, और रूम के लिए आपको ये असिस्टेंस देते हैं, आपको या कार्ट में बिठा के लेके जाएंगे और पूरा वॉक अराउंड देंगे इसके साथ साथ कहाँ पे क्या है। तो लेफ्ट साइड में काइंड ऑफ प्ले जंक्शन है, शी इज़ टेलिंग अस, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो फिर बाद में यहाँ से डायरेक्ट रूम पे जाके आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। तो ये आउटसाइड पहुँच गया रूम के। रूम बहुत अच्छा है, अंदर से नीट एंड क्लीन। और रूम का प्राइस अगर आप पूछो कमेंट में तो मैं पहले ही बता देता हूँ, रूम का प्राइस 12,000 से लेके 1 lakh तक चला जाता है इसका, है ना। तो इफ़ यू वांट लाइक कॉटेज, जो सबसे ज़्यादा महंगा कॉटेज है यहाँ पे, वो है 80,000 से 1 lakh तक का है 1 day के लिए। और मतलब वो 8 बंदों के अकॉर्डिंग है, मतलब नॉट फॉर सिंगल 1 or 2 person। तो डिपेंड ऑन लाइक यू, कि आपकी पूरी फैमिली आई है तो यू कैन बुक दैट 1 also। तो बहुत अच्छा रूम है ये भी फॉर 1 or 2 person इफ़ यू वांट टू कम हेयर। और टीवी एंड हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर मिली हमें 3 water bottle एंड कॉफ़ी, ग्रीन टी, डकोरमा पैम्पलेट, एंड ये है मिनी बालकनी विच यू कैन सिट हेयर और मेक वीडियो की। तो ये कर्मा लेक लैंड्स पे जो लेके जा रहे थे रूम के रूम तक, तो वो है। तो ये मेन ऑफिस से बाहर निकलोगे तो ऐसा मिलेगा। यहाँ पे गोल्फ क्लब है, बोटिंग है, 270 acres में ये है पूरी प्रॉपर्टी। तो ये जो फ्रंट सामने है, दिस इज़ एन 360 restaurant, और साइड में इसके मिनी सी लेक है। तो ये बहुत बड़ा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये है गोल्फ, तो गोल्फ तो नहीं खेलिए, यहाँ के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नॉर्मल जो पैकेज था उसके अंदर था, बट वो ये खेल के भी क्या करना है यहाँ पे, है ना। तो मेंबरशिप ले सकते हो आप यहाँ पे, और यू कैन प्ले, आपको सिखाएंगे यहाँ पे। और जो जिन्होंने क्या था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है हासिल किया हुआ है, तो वो ही आपको यहाँ पर गोल्फ सिखाते हैं। तो ये है लेक, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी यहाँ पे, अजीब सा पानी, बिल्कुल हरा पानी, तो पानी इज़ नॉट दैट मच क्लियर। बाकी आप देख लो, आपके सामने ही है। और ये है तो इन्होंने यहाँ पे गार्डनिंग की हुई है, तो लाइक कुछ भी उगा सकते हो। तो ये वेस्ट लेके आ रहे हैं वहाँ से दोबारा से, फिर मैंने ये स्नैपचैट पर वीडियो बनाई थी, यहाँ से दोबारा से एक और क्लिप एड ऑन कर देता हूँ। बोट, यू कैन डू बोटिंग ऑल्सो। तो यहाँ से 360 से नीचे मैं उतरा था, तो उतरते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी, फिश। तो आई थॉट आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। तो ये देख लो, मछलियाँ विद गंदा पानी। एंड यहाँ से निकलते ही गोल्फ के लिए एक वॉक अराउंड कर लेते हैं, गोल्फ क्लब। बट भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन लोग थे कि हाँ, मतलब खेल तो इतने नहीं रहे थे। तो
तो ये है कॉटेज टाइप, जो आप मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो वो आप सेपरेट ले सकते हो। तो ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, पीछे और बच्चे भी खेल रहे थे और उनकी फैमिली थी, तो मैंने बैक साइड का कॉटेज नहीं दिखाया था। तो ये है मेन स्विमिंग पूल जहाँ पे आप कोई भी आके स्विमिंग कर सकते हो। एंड दिस इज़ द कॉटेज, जो आप मतलब दो जन से ज़्यादा हो, तीन चार जन हो, जितने भी हो, तो वो आप सेपरेट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। तो ये हमें वॉक अराउंड करवा रहे हैं, तो साथ साथ में मैंने इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी, बहुत ज़्यादा नहीं काइंड ऑफ इंक्रीज़ कर दी थी। क्यों? क्योंकि भाई बात है क्या क्या मैं बोलूँगा ना, तो आप खुद ही देखते रहो वैसे तो। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि नॉर्मल आप यहाँ पे रेंट करके भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो या खुद ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो खुद परचेज़ की हुई है किसी ने, और कुछ लोग रेंट वाइज इसको परचेज़ कर रखी है कि मतलब रेंट दे दे के रखते हैं। तो यहाँ पे मिक्सअप है, आप ऐसे भी रह सकते हो, घूमने भी आ सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हो। बट सोसाइटी एक तरह से ये मतलब बहुत ज़्यादा पीस एंड शांति वाला एरिया है, बहुत अच्छा है। तो आप इनको देख लीजिए, तब तक मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे फिलर्स हैं जो ये ऑन किए हुए हैं। टाइम लैप्स लगा दिया है, टाइम लैप्स में आप देखते रहिए कि कहाँ पे क्या क्या है। मेन तो सारे मैं आपको ये घर ही दिखा रहा हूँ और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे टोटल 9 बताए थे, 9 गोल्फ क्लब हैं ये, मतलब कि बनाए हुए हैं गोल्फ के 9 पार्ट्स। ये वापस हम पहुँच गए हैं, ये रूम के बाहर फाउंटेन रात के टाइम। तो अब हो गया डिनर का टाइम, तो लेट्स गो टू द डिनर। तो वॉकिंग एरिया भी इट्स नाइस, और शाम को निकलो तो मतलब जो ये इंसेक्ट होते हैं इनकी आवाज़ वगैरह सुन के यू विल फील रिलैक्स, है ना। वॉक करने के लिए काफ़ी एरिया है, खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हो, ऐसे भी वॉक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं खाना खा के करना है आपको। सो ये पार्किंग है, और इसके राइट साइड में भी यहाँ पे पार्किंग है। सो मेन रिसेप्शन एंट्री करके उसके बाद हम चलते हैं डिनर करने के लिए। इवनिंग में लाइट वगैरह ऑन हो गए और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इंडियन फ्लैग। और यहाँ पे ये है कि शाम को 5 बजे पूरे नेशनल एंथम की जाती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप यहाँ पे आके लाइक खड़े हो सकते हो, नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये गोल्फ़ के लिए मतलब काइंड ऑफ स्टैचूज़ बनाए हुए हैं कि गोल्फ़ खेल रहे हैं। ये बैक एरिया है, लाइट के बाद अच्छा लग रहा है। तो डिनर में मैंने ऐसा सच कुछ खास नहीं लिया था, जस्ट राइस, पनीर एंड हाका नूडल्स। थोड़ा डेजर्ट ले लेते हैं, थोड़े बाकी ठीक है। मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह उठो, बर्ड्स की आवाज़ सुनो, यहाँ पे क्या मज़ेदार चीज़ है ना, अच्छा है। सो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ठीक है, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग आई विल पोस्ट रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस, उद अरेबिया। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वाला व्लॉग कर्मा लेक लैंड्स का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।